फिल्म स्टार्ट होती है और हम एक जोई नाम की लड़की देखते हैं जिसको अपने दोस्तों का वीडियो कॉल आता है और वो उससे हालचाल पूछते हैं और चार्ली अपने दोस्त आइसेक से मिलवाता है और चार्ली थोड़ा शर्मा रहा होता है, वहीं आइसेक खुले दिल का होता है। फिर जोई चार्ली से पूछती है कि तुमने मुझे आज इतने दिन बाद याद किया, और चार्ली बोलता है बस ऐसे ही तुमको देखने का मन किया। और चार्ली जोई को शाम को पार्टी के लिए इन्वाइट करता है और जोई मान जाती है और बोलती है हम कल मिलेंगे, और बोलती है क्या मैं अपने साथ कुछ दोस्तों को ला सकती हूँ। और आइसेक उससे बोलता है हमने आज तक ये कभी नहीं किया और हमें लगता है कि तुम हमारे साथ थ्रीसम में इंटरेस्टेड हो, इसीलिए तुमसे पूछ रहे हैं। और इसको सुन के जोई के होश उड़ जाते हैं। तब आइसेक उससे माफ़ी मांगता है और जोई बोलती है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, और चार्ली बोलता है नहीं हम मजाक नहीं कर रहे, हम बात कर रहे थे कि हमने आज तक कभी थ्रीसम नहीं किया, तभी आपकी याद आई और तुम्हें कॉल कर दिया। और दोनों मिलकर जोई को समझाते हैं अगर तुम इसमें इंटरेस्टेड हो तो कल आ जाना, अगर तुम नहीं आओगे तो कोई बात नहीं, और अगर तुम आई तो हम साथ काफ़ी फन करेंगे, और कॉल कट कर देते हैं। और फिर वो दोनों बात करते हैं जहाँ आइसेक को लगता है कि वो कल पक्का आएगी, पर चार्ली को लगता है कि इस बात पर जोई अब उससे कभी बात नहीं करेगी। तब चार्ली कहता है नहीं ऐसा नहीं होगा, वो कल पक्का आएगी। और हम जोई को देखते हैं जो इस बारे में सोच रही होती है और मन ही मन मुस्कुरा रही होती है। अगले दिन आइसेक और चार्ली जब साथ में होते हैं और उनमें बात होती है, और तब हमको पता चलता है कि जोई आने के लिए मान गई है, और उसकी बात सुनकर आइसेक काफ़ी खुश होता है और कहता है कि पार्टी में आने के लिए उसने हाँ कहा, इसका मतलब थ्रीसम के लिए भी वो राजी है। और चार्ली बोलता है हाँ शायद, और इससे आइसेक काफ़ी एक्साइटेड होता है। तब चार्ली बोलता है कि हमने एक दूसरे को बिना कपड़ों के कभी नहीं देखा, और जोई के सामने अजीब फील करा तो कैसा लगेगा। और फिर वो दोनों वाशरूम में जाते हैं और एक दूसरे को बिना कपड़ों के देखते हैं। आगे हम तीनों को खाना खाते देखते हैं, वो साथ में काफ़ी बातें करते हैं। तब चार्ली जोई से कहता है क्या तुम सब समझ रही हो ना, और जोई बोलती है मैं सब समझ रही हूँ। और फिर वो तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चूमते हैं और जोई बोलते चलो साथ में डांस करते हैं, और फिर वो साथ में डांस करते हैं और किस करते हैं और अपने कपड़े उतार के बेड पर चले जाते हैं। और तभी जोई उदास हो जाती है और चार्ली उससे बोलता है अगर तुम ये सब नहीं करना चाहती तो हम इसे यहीं रोक सकते हैं, और जोई बोलती है मैंने काफ़ी टाइम बाद किसी को छुआ है इसलिए बस आंसू निकल गए, और उन्हें वापस कंटिन्यू करने को कहती है। और वो तीनों फिर से रोमांस करने लगते हैं, और पहले जोई और आइसेक इंटीमेट होते हैं जिसको देख चार्ली को अच्छा फील नहीं होता और वो उस रूम से बाहर आ जाता है। आगे चार्ली न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है तभी उसके पास आइसेक आता है और बोलता है हमारा थ्रीसम का आइडिया अच्छा नहीं गया। चार्ली बोलता है कोई बात नहीं, और आइसेक बोलता है हमारी कल की रात काफ़ी अच्छी थी और हम और जोई सोच रहे हैं कि हम लोग शादी कर लें, और चार्ली बोलता है तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो, और आइसेक बोलता है हम जोई के घर पर रहेंगे। आगे हम जोई और आइसेक को जोई के घर पर रहता देखते हैं जहाँ पे वो दोनों रात में फिर इंटीमेट होते हैं, और वहीं चार्ली अपने दोस्तों को मिस करते हुए बहुत परेशान होता है और कार में सो जाता है। अगले दिन आइसेक अपने दोस्तों से मिलने जाता है जहाँ चार्ली भी होता है, और वो उन्हें सारी बात बताता है कि मैंने और जोई ने शादी कर ली, और बोलता है कि मैं कुछ टाइम के लिए कैंपिंग पर जा रहा हूँ, और वो फिर कैंपिंग से निकल जाता है। और चार्ली भी अपनी कार लेके वहाँ से निकल जाता है, और चार्ली अपनी कार में जोई और आइसेक को इमेजिन करके काफ़ी गुस्सा होता है, और वो जोई के घर जाता है जहाँ वो जोई से काफ़ी सारी बात करता है और जोई के काम में हेल्प करता है। वहीं दूसरी ओर आइसेक कैंपिंग में दिखता है। आगे हम जोई और चार्ली को साथ में देखते हैं जहाँ वो काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं और बातें करते हैं, और एक दिन जब वो साथ में होते हैं और चार्ली जोई को बताता है कि तुम उस रात उदास हो गई थी इसलिए मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं हो पाया था, और वो कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं होना, बस तुम्हें छूना है और तुम्हारे बच्चे की तरह रहना है, और जोई उसे अपने आप को छूने देती है। अगले दिन आइसेक वहाँ आता है और चार्ली से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और बोलता है कि मैं जोई की सफाई में हेल्प करने आया था। और तब आइसेक चार्ली के सर पे बच्चों वाले रोपी देखता है और पूछता है ये क्या है, और वहाँ जोई आ जाती है। आगे हम देखते हैं कि आइसेक अपनी कैंपिंग के बारे में उन्हें बताता है और उन्हें अपना बनाया हुआ गाना सुनाता है, और वो गाना जोई और चार्ली को एकदम बकवास लगता है। आगे हम तीनों को साथ में देखते हैं जहाँ जोई और चार्ली दोनों साथ, और जब वो कार से उतरते हैं तो जोई और चार्ली एक दूसरे को देखते हैं। और आगे हम देखते हैं 3 महीने बाद जहाँ जोई और आइसेक रूम साफ कर रहे होते हैं, और आइसेक बोलता है हमने अपने बच्चे का रूम क्लीन कर दिया। दरअसल वो दोनों चार्ली को अब अपने बच्चे की तरह रखते हैं। जब तीनों साथ में खाना खा रहे होते हैं तब जोई उससे बोलती है क्या तुम चॉकलेट लाते चार्ली के लिए, और वो बोलता है मैं भूल गया, और बोलता है रुको मैं अभी लेके आता हूँ। और जोई चार्ली से पूछती है क्या तुम्हें दूध का गिलास भी चाहिए, और अपनी शर्ट ऊपर करती है। इस मूवी का अंत यहीं पर हो जाता है।